अभी हाल ही में जिले में कुछ गंभीर घटनाओं के चलते पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के द्वारा जिले के समस्त थाने चौकियों पर रात में कौमी गश्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में कल रात 2 बजे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार बूरिया, पिछौर SDOP देवेंद्र सिंह कुशवाहा और भौती थाना प्रभारी निरीक्षक संजय मिश्रा के निर्देशन में होड़ चौकी प्रभारी उप निरीक्षक राजीव दुबे के द्वारा समस्त स्टाफ के साथ चौकी क्षेत्र का गश्त किया जा रहा था। इसी दौरान ग्राम दरगवा के पास पत्थर से भरा महेंद्रा ट्रैक्टर दिखाई दिया। पत्थर से भरे ट्रैक्टर चालक से रॉयल्टी संबंधित जानकारी ली गई और तब चालक के द्वारा कुछ ना होना बताया गया। इस पर चौकी प्रभारी के द्वारा ट्रैक्टर को खोड़ चौकी पर लाकर अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन जैसी गंभीर धाराओं में ट्रैक्टर को जब्त कर कार्रवाई की गई और इस संपूर्ण कार्रवाई में खोड़ चौकी प्रभारी उप निरीक्षक राजीव दुबे, ASI मुनेन्द्र भदौरिया, आरक्षक नवनीत जाट, आरक्षक दिलीप रावत, आरक्षक संजय धाकड़ की सराहनीय भूमिका रही। सर, ये अवैध पत्थर का परिवहन करते हुए एक आपने ट्रैक्टर जब्त किया है, ये पूरा मामला क्या है? इसमें कल रात को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूरे जिले में कौमी गश्त चलाया गया था। उसी क्रम में श्रीमान रतिपुर शिक्षक महोदय, SDP महोदय, थाना प्रभारी महोदय के निर्देशन में चौकी क्षेत्र में कौमी गश्त किया जा रहा था। कौमी गश्त के दौरान वाहन चेकिंग की जा रही थी, तो ये ट्रैक्टर दरगवा तालाब के पास पत्थर भरा हुआ मिला, जिसको रोका तो उसका ड्राइवर से नाम पता पूछा, उसने अपना नाम कमलेश प्रजापति निवासी चिन्नौती के बताया। ट्रैक्टर में पत्थर भरा होने से उससे ट्रैक्टर के पत्थर भरे होने की रॉयल्टी चाही गई थी, तो उसके द्वारा बताया रॉयल्टी नहीं है और ट्रैक्टर मालिक भान प्रताप सिंह परमार हैं, कोई चिन्नौती के, उन्होंने ट्रैक्टर पर पत्थर भरवा के चरावनी गाँव के लिए भिजवाया था। पत्थर अवैध रूप से भरा हुआ था, अवैध रूप से खनिज की चोरी कर परिवहन करना पाए जाने से ट्रैक्टर को विधिवत जब्त किया गया। ड्राइवर और ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ प्रकरण पंजीकृत किया गया।